हम आपको ये सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां बलवाड़ी गांव की सैकड़ों महिलाएं और ग्रामीण बकायदा ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इन लोगों का सीधा सीधा आरोप है कि कल धुलंडी वाले दिन यानी कि होली वाले दिन वहां मेला लगता है बलवाड़ी गांव के अंदर। हालांकि कोरोना काल चला हुआ है लेकिन मेले की इजाजत किसने दी, कैसे वो मेला लगा, वो एक जाँच का विषय है। लेकिन फिलहाल आज जो ये लोग आए हैं सैकड़ों की तादाद में लोग, इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि वहाँ मेला लगा और मेला लगा तो एक वहाँ रीति रिवाज है कि गांव वाले नगाड़ा लेकर के जाते हैं ग्रामीण। इसी तरीके से जब वह नगाड़ा लेकर के गए तो जो मंदिर के महंत है वो कहीं नाराज हो गए और उन्होंने उस नगाड़े को वापस कर दिया, नगाड़ा वापस भी चला गया। लेकिन न जाने किस कारण वहाँ आपस में तूतू-मैं-मैं हो गई और मामला बढ़ गया। देखते ही देखते वहाँ पुलिस आ गई और वहाँ मार पिटाई शुरू हो गई। तो सीधा ग्रामीणों का क्या कुछ आरोप है हम सीधा आपको उन्हीं की जुबानी सुनाएंगे। और क्या एसपी महोदय से मिलने के बाद इन्होंने कहा है, पुलिस अधीक्षक ने कहा, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। लेकिन हम आपको ये तस्वीरें फिलहाल दिखा रहे हैं सचिवालय से कि किस तरीके से इन लोगों का गुस्सा फूटा हुआ है और जो भाजपा की महिला जिला अध्यक्ष है वो बाकायदा इनको यहाँ लेकर के आई है कि गाँव वालों ने अपील की थी कि आप महिला जिला अध्यक्ष है तो आप हमारा साथ दीजिए कि किस तरीके से महिलाओं पर वहां अत्याचार किया गया। तो उनका भी हम आपको बयान सुनाएंगे, पुलिस अधीक्षक का भी हम आपको बयान सुनाएंगे। हम आपको दिखा रहे हैं जिला मुख्यालय से सीधी तस्वीरें जहां बलवाड़ी गांव की सैकड़ों महिलाएं आई हुई है, साथ में पुरुष भी आए हुए हैं ग्रामीण की। इनका आक्रोश ये है कि जो पुलिस ने कार्रवाई की है वो कहीं ना कहीं कार्रवाई गलत है और जबरन इनको, जो इनके बच्चे हैं उनको घर से उठाया जा रहा है पुलिस द्वारा। रेखा देवी, गांव बलवाड़ी की सरपंच। ये मामला है जी, हर साल गांव का डप है, जो नगारे हैं वे हर साल मंदिर में जाते हैं, उसके बाद ही मंदिर में पालकी निकलती है। महाराज जी ने अब की बार जब ये गए नगाड़े लेकर, वहां से कुछ बाहर के आदमियों को लेकर, पंजाब से आए थे बहुत से सरदार थे, उनको लेकर सभी पर लाठीचार्ज कर दिया बिना कुछ कहे। वहाँ पर पुलिस आई और चार पांच को उठाकर ले गई, सभी वहाँ से वापसी आ गए। आकर पर्स पर उन्होंने अपना डिस्कशन शुरू किया, भाई क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद में वहाँ पर फिर से पुलिस आई, उसने कुछ भी नहीं कहा। आते ही सीधा लाठी डंडे लाठी चार्ज शुरू कर दिया। अब लाठी चार्ज में बच्चों ने पता नहीं कहीं फायरिंग करनी भी कोशिश करी उन्होंने, फिर वे नहीं की। तो उसके बाद में पता नहीं किस बच्चे ने उनकी गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, गाड़ी का था जी, पुलिस की गाड़ी का। और उसके बाद में वो पुलिस वहां से जब तो चली गई, उसके बाद में वो शाम को फिर आई, 10 गाड़ी अंदर गांव में और बाहर सारी, हर गली नाका सब बंद कर दिया उन्होंने। गांव में आने के बाद में वो उन्होंने फिर से घरों में घुसना शुरू कर दिया, घरों में घुसे, किसी का फोन खोज लिया, किसी का कुछ बताओ कौन था करके, फिर चार पांच को फिर उठा कर ले गए। इसके बाद में हाँ जी, इसी बात से हम परेशान होकर यहाँ पर आए हैं। एसपी से बच्चों को बुरी तरह से पीटा गया, हाँ जी, बड़े बूढ़ों को, सभी को बुरी तरह से पीटा गया, इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं। भाई ये महाराज जी ने भी गलती करी है, मेरा बच्चा मंदिर में महाराज ने मारा साहब, मेरा नहीं दारू पीता, नहीं कुछ नहीं करता, गजेंद्र से मेरा भी मिला, उसको महाराज ने कूद के गद्दी पे बैठा था। राजेंद्र सिंह चौहान, रिटायर्ड लेक्चरर। मामला ये है कि मेला भरा है और विशाल मेला भरता है तगड़ा, महाराज जी के यहाँ हमारे सीताराम का मंदिर है, बड़ी श्रद्धा है, बाबा परसोत्तम दास की सभी में श्रद्धा है, और श्रद्धा के कारण जाते हैं। आज हमारी गद्दी में महंत मुनीश्वर दास बैठे हैं, उनके संचालन में काम चल रहा है। लेकिन जो हुआ बहुत गलत हुआ, बच्चों की इतनी बुरी तरह पिटाई की, नू नहीं देखा कि बच्चा है, युवा है, बूढ़ा है, बड़ा है, औरतों के साथ भी बदसलूकी की, ये गलत। वजह ये है कि बच्चे नगारा ले गए, जबकि होली पे नगारा ले जाते थे पहले, लेकिन इस बार मना कर दिया था। हम ये भी गलती मानते, ये भी कोरोना की वजह से तो मेला ही नहीं भरना चाहिए था। आप पहले तो यही पॉइंट उठाओ, वीडियो देखिए, जब कोरोना COVID-19 चल रहा है तो मेला भरने की परमिशन किसने दी? ये आप तय में जाइए। मेला भर गया तो फिर वो नगारा लेके चले गए। अब जिन बच्चों ने वीडियो बनाई उनको भी पकड़ लिया, उनकी भी पिटाई की है और वीडियो डिलीट करवाया है कि हमारी पोल ना पट जाए। लेकिन हम पोल पड़वाएंगे क्योंकि हम सब एक हैं। तो उसको लेकर के ये एसपी महोदय से मिले हैं, क्या कुछ इनका कहना है
वो अब हम आपको सुनवाते हैं और इसी के बाद हम आपको सुनवाएंगे कि पुलिस अधीक्षक ने क्या कुछ कहा है उसको लेकर के, भाजपा की जिला अध्यक्ष वो क्या कह रही है। SP साहब ने हमारे गांव वालों की जो समस्या थी वो बड़ी तसल्ली वक्त से सुनी और उन्होंने DSP को मार्क कर दिया। DSP साहब इंक्वायरी पे जाएंगे और किसने गलती की है, पुलिस की गलती है, बच्चों की गलती है, मंदिर परिसर की गलती है, किसकी गलती है। ऐसी कोई बात नहीं है, हुड़दंग नहीं था, केवल लंगारे पे बैन था, लंगारा लेके जबरदस्ती जाने लग रहे थे। गांव वालों ने, हमारे जैसे उम्र वालों ने लंगारे को वापस किया और हमारे जैसों पे, मेरे उम्र वालों पे अटैक हुआ है। तो लेकिन जब कोरोना काल के चलते मेला बैन था जगह जगह, ये तो मेला क्यों लगाया? ये तो प्रशासन, ये तो प्रशासन बताए सर, नहीं प्रशासन बताए कि मेले की परमिशन किसने दी है, परमिशन किसने दी है मेले की, ये तो प्रशासन बताए। इतना जबरदस्त मेला और COVID-19 काफी भीड़ आती है, दूर दराज के आते हैं, बहुत पंजाब तलमंडी बहुत दूर। अमलता तवर, भाजपा महिला पूर्व जिला अध्यक्ष, बलवाड़ी। हाँ जी, नहीं मेरे पास भाई साहब सुबह फोन आया था उनका कि बहन जी ऐसे ऐसे बात हो गई और पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया बिना सोचे समझे, इसी तरह से बच्चों ने, मतलब कोई शरारती तत्व थे उसके अंदर, तो शरारती तत्व थे उनको सजा मिले ना कि निर्दोष बच्चों को सजा मिले। तो मेरा तो यही है कि भाई मैं आपको SP सर से मिला दूंगी, जो भी बात होगी भाई जो जायज कार्रवाई है वो होनी चाहिए दोषियों के खिलाफ, कि भाई इस तरह से घर में घुस घुस के महिलाओं के ऊपर हमला किया, उनके फ़ोन तोड़े गए। तो देखो मैं महिला पूर्व जिला अध्यक्ष होने के नाते महिलाओं के साथ हूँ, महिलाओं का मेरे ऊपर विश्वास है तो मैं इनके साथ आई हूँ। तो देखो सर, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, ठीक है, तो हम इनके साथ इसीलिए तो आए हैं कि सरकार की जो सही कार्रवाई हो वो इनके साथ होनी चाहिए, जो इनका जो राइट है उनको मिलना चाहिए, इसीलिए हम इनके साथ आए हैं। SP साहब ने आश्वासन दिया क्या दिया? हाँ, SP सर ने आश्वासन दिया है कि जो भी मतलब राइट होगा वो सारी चीज़ें हमें, सारी इंक्वायरी करके आपको बताएंगे भाई किसका दोष है किसका नहीं है। देखो अब क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि देखो मैं मौके पे थी नहीं। हाँ जी, DSP की ड्यूटी लगाई है? हाँ जी, DSP सर की ड्यूटी लगाई है, तो वो अभी जाँच करके फिर बताएंगे किसकी गलती है किसकी नहीं है। ये कल मेले में कुछ लड़कों ने शराब पी के उड़दंग किया था, तो उसमें हमने कल FIR भी दर्ज करी थी, बलवाड़ी गांव का मामला था तो FIR भी दर्ज करी थी और कुछ लड़कों को हमने अरेस्ट भी कराया, तो उसी में आज गांव वाले आए थे कि इनमें कुछ गलत लोगों के नाम FIR में आ गए हैं, तो इनकी रिक्वेस्ट थी कि DSP गांव में जाके एक बार वेरीफाई कर ले, तो मैंने DSP हेडक्वार्टर को उनकी कंप्लेन मार्क कर दी है और वो इसको वेरीफाई कर लेंगे। सर कुछ वीडियो भी जारी किए इन्होंने, मार पिटाई के, पुलिस उसके मार पिटाई कर दिया, घर में घुस के महिलाओं से मोबाइल भी तोड़े गए हैं, ऐसा इन्होंने कुछ नहीं कहा, बल्कि इन्होंने खुद ने कहा है कि किसी शरारती तत्व ने पुलिस की गाड़ी के ऊपर पत्थर फेंका, जिस और उसके बाद पुलिस ने ऑफकोर्स, अगर कोई दारू पी के मेले में कोरोना के टाइम में मतलब हुड़दंग करेंगे तो कार्रवाई तो करेगी पुलिस। सर प्रशासन द्वारा जब रोक लगाई गई थी मेला करने पे, लेकिन उस महंत ने मेला जारी किया, लगाया मेला, तो उस पर कार्रवाई करेंगे? देखेंगे, अगर उन्होंने बिना किसी परमिशन के किया होगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी, क्योंकि प्रशासन तो बैन लगा रखा था मेले आयोजन पर, कोरोना के चलते बैन था सर मेले पे, तो नहीं देखेंगे, वो देखेंगे ना उन्होंने क्या परमिशन एडमिनिस्ट्रेशन से ली थी नहीं ली थी, वो देखेंगे, नहीं ली होगी तो कार्रवाई होगी, बिल्कुल कार्रवाई होगी अगर उन्होंने बिना किसी परमिशन के करा होगा तो। विवाद कहीं ना कहीं बड़ा है और इसको लेकर के इनमें तनाव बना हुआ है, हालांकि DSP महोदय को जांच सौंप दी गई है, पुलिस अधीक्षक ने जिस तरीके से हमें जानकारी दी, जांच करके बताएंगे DSP महोदय क्या कुछ इसके अंदर क्या कार्रवाई हुई है, कुछ फुटेज भी गांव वालों ने हमें भेजे हैं जो कल की घटनाक्रम के थे वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल इतना ही, फिर आते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए